नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाते हुए 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन देने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पहले ही दिन यानी सोमवार को 41 लाख से ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया कि बहुत बढ़िया युवा भारत। बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन 15 से 18 आयु वर्ग के 40 लाख से अधिक बच्चों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक मिली। ये भारत के टीकाकरण अभियान के शीर्ष में एक और उपलब्धि है। झारखंड में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन रांची के 8 केंद्रों पर बच्चों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि आज रांची जिले के 31 टीका केंद्रों पर किशोरों का टीकाकरण हो रहा है। किशोरों को टीका के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दी गई है। आधार कार्ड के अलावा उनके स्कूल आईडी से भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही टीका लगाने से पहले उनके अभिभावकों से डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जा रहा है। फॉर्म भरने के बाद या फोन पर सहमति लेने के बाद ही उन्हें टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर किशोरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण हो रहा है। आज रांची में 31 केंद्रों पर वैक्सीन दिया जा रहा है बच्चों को। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे किशोरों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको फिलहाल दिल्ली लिए चलते हैं, वहां की तस्वीर हम तक पहुंचाएंगे। सहयोगी अमर हैं हमारे साथ, हम फरहा से जुड़ेंगे पहले। फरहा, आप वैक्सीन सेंटर पर हैं, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जानते भी हैं, समझते भी हैं कि ये टीका कितना अहम है। जी बिल्कुल आरती, बच्चों के चेहरों पर एक अलग गुस्सा है। और अगर हम कल की बात करें तो दिल्ली में 20,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन ले ली गई है, तो ये साफ बता रहा है कि जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, उनके मन में कोई डर नहीं है, कोई संशय नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देखिए कि लाइन्स लग रही है, सिक्योरिटी जो है वो पूरी चेकिंग कर रही है, बच्चे जो है वो आ रहे हैं। और हमारे साथ इसी बीच जो है अर्पित भी जुड़ गए हैं, उन्होंने आज अपनी वैक्सीनेशन ली है। तो अर्पित, आज जब अपनी वैक्सीनेशन लेने आए, किसी तरह का डर था और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, किसी चीज का डर नहीं है। और जरूरी है ये वैक्सीनेशन? बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो देखिए आरती, साफ तौर पर जरूरी है। तो जैसा मैं बता रही थी कि बच्चों के मन में डर नहीं है, बच्चे भी इस चीज को समझ रहे हैं। 20,000 आंकड़ा ही बता रहा है, क्योंकि ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ दिल्ली का। अगर हम पूरे देश भर में बात करें तो पहले दिन 40 लाख वैक्सीनेशन जो है बच्चों ने ली है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी हो गया। और अभी हम अर्पित से भी बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पे भी एक अलग उत्साह दिख रहा था। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल्स पे भी जो है बच्चे अभी भावकों के बिना गए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी शेयर कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कूल कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो हैं वैक्सीनेशन के लिए अपने दोस्तों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे बढ़कर जाएं, और अकेले पहुंच रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि बच्चों के अंदर एक उत्साह है और वो चाहते हैं कि उनको वैक्सीनेशन जो है वो अच्छे से मिल पाए। और हम इस वक्त NDMC सेंटर में हैं और यहाँ भी लाइनें जो हैं वो उस तरीके से है, जो बच्चे हैं वो लगातार आ रहे हैं। और दिल्ली में
159 जो है सेंटर्स हैं और वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपने मम्मी पापा के साथ पहुँच रहे हैं और वैक्सीनेशन जो हैं वो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के सेंटर्स में देखने को मिल रहा है कि जो दिल्ली के बच्चे हैं वो बहुत आगे हैं और वो चाहते हैं कि हम वैक्सीनेशन लें। और जो जिस तरीके से आप देखिए दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, कल की अगर हम बात करें तो 4000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में आए और ये 28% ज़्यादा हैं संडे से। तो कहीं ना कहीं केसेस का इजाफा होता जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से जैसे ओमिक्रॉन फैल रहा है वैसे कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो वैक्सीनेशन लें और ये राहत है कि जिस तरीके से बच्चे सामने आ रहे हैं और वैक्सीनेशन ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए फरहा, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे आके आ रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत सजग नजर आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को वैक्सीन सेंटर तक भेज रहे हैं कि उन्हें टीका दिया जाए ताकि कोरोना से उन्हें बचाया जा सके। लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि दिल्ली अब रेड जोन में तब्दील होता जा रहा है। दिन आप देखिए कि 2000 से ज्यादा केसेस एक दिन में से 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। तो लोगों से सतर्कता की भी अपील है वहां पर कि अब लापरवाही ना के मतलब छोड़नी होगी, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल आरती, छोड़नी होगी। जैसा कि आपने कहा कि ये केसेस जो हैं बढ़ गए हैं, अगर हम कल की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 4000 केसेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता लगातार बनी हुई है और आज डीडीएमए की जो है बैठक भी इस बात पर चल रही है क्योंकि येलो अलर्ट से दिल्ली जो है वो रेड जोन में आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं वो और बढ़ जाएंगी क्योंकि आप अभी जानती हैं नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, प्रतिबंध में अभी हम ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो खुद कोरोना की चपेट में हैं, तो ऐसे में जो खतरा है वो सबके सरों पर मंडरा रहा है। और जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे, क्योंकि देखिए ये हम सब ने देखा है कि जिस तरीके से फुल्ली वैक्सीनेटेड हम लोग हुए, चाहे वो 18+ की बात की जाए, 45+ की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कोरोना में हम लोगों ने एक रफ्तार को जो है वो कम किया और केसेस जो है वो कम हुए। तो यही अनुमान बच्चों के लिए भी लगाया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड हों, क्योंकि देखिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, स्कूल कॉलेजेस चुनौती बन गया है, तो इसलिए बच्चों का भी वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जरूरी है। और दिल्ली रेड जोन में जिस तरीके से चल रही है, केसेस में इजाफा होता जा रहा है, ओमिक्रॉन कोरोना का खतरा जो है वो सब पर मंडरा रहा है, अभी दिल्ली में और पाबंदियां जो है वो लग सकती हैं और एक लॉकडाउन की स्थिति भी जो लोगों को है वो समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो बच्चों के लिए भी खतरा है, बड़ों के लिए भी खतरा है। तो बहुत जरूरी है तो ये खतरा है और खतरे के मद्देनजर देखिए अब ये सावधानी तो बहुत जरूरी है ही फरहा। और इसी कड़ी में एक और अगर कहें, बच्चों का टीकाकरण अगर लक्ष्य के मुताबिक हो पाता है तो ये बहुत बड़ी पहल होगी और एक कोरोना से जंग में एक बहुत बड़ा हथियार भी होगा कि बच्चे भी वैक्सीनेट हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए कोरोना वैक्सीन अब बच्चों को दिया जा रहा है, वैक्सीन सेंटर पर किशोरों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।